तेजस को मैंने बोला कि हेयर कलर कराने के लिए ब्लैक करा ले। ये राम जी राम जी एक एक करके बोलो पहले तो। मुझे पता है आप गुस्सा हो मेरे से। ब्लश जिम चली जाओ, मैं आप जो मेरे से उठ के साइड हो जाओ। वैसे आपको पूरा दिन प्यार करना नहीं होता, लेकिन जब मुझे कहीं जाना है तब आपको मेरे ऊपर बैठ जाना है। ये हट जा, जाओ जाने दो, वापस आके बिठा लूँगी वापस ऐसे ही। अगर आपका फिटनेस गोल फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन एंड स्ट्रेंथ गेन करना है तो आप मेरी तरह बिग मसल्स न्यूट्रिशन का क्रिएटिन क्रिएटीन अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। ये 4-in-1 क्रिएटिन कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म चॉइस सर्टिफाइड है एंड यू कैन यूज़ माई कोड BM Saina टू गेट अ डिस्काउंट। तो कल तो मैं वापस आने के बाद कुछ अपडेट कर ही नहीं पाई क्योंकि हम लोगों ने कल इतनी पार्टी कर ली थी ना कल। हाँ, ये नहीं आई, कहती आ रही हूँ फिर आई नहीं। तो आज ना हम जा रहे हैं हेयर कलर कराने, जो कि मेरे पीछे इतने टाइम से पड़ी हुई है, हेयर कलर करा ले। मन तो मेरा भी था। OTP जो दोस्त साथ रहते हैं वो हेयर कलर भी साथ ही कराते हैं। हाँ। #बहनकोड। Yes. So scene यही है कि हेयर कलर कराना था काफी टाइम से, क्योंकि मेरे बाल अभी कैसे हो गए सब ब्लैक लाइन और ऐश ब्लॉन्ड, पता नहीं जो बहुत ही फेड हो चुका है। हाँ। जो कि वीडियोस में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रियल लाइफ में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। कर्ल्स करके भी ठीक लगता है, लेकिन जब बाल स्ट्रेट होते हैं या नॉर्मली होते हैं तो बहुत अजीब से लगते हैं। तो मुझे बस यही, इस वजह से इसको हेयर कलर को फिक्स कराना था। और एक गलती जो मैंने लास्ट ईयर करी थी वो ये थी कि मैंने ऐश ब्लॉन्ड करवा के ब्लू शैम्पू यूज़ ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो मेरा ग्रे स्टोन था वो पूरा येलो ब्लॉन्ड हो गया। तो इस बार मैं उस टोन्स में जाऊंगी ही नहीं, इस बार मैं थोड़े ब्राउन टोन्स ही रखूंगी, बिकॉज आई फील लाइक कि अब लोग थोड़ा मिनिमलिस्टिक की तरफ हो गए हैं। और बेसिक ब्लू शैम्पू की बात कर रहे हैं ना, उससे ना बाल भी बहुत डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली जब ग्रे कर रहे हैं बाल तो मेरे डैमेज हो गए हैं, पता है। घर से निकलने से पहले कहता है गंजी होके आएगी, 5 साल में सेम बोला है। कह रहे जब तेरा हेयर लॉस हो रहा है, जब तेरा ऐसे बाल कम हो रहे हैं तो फिर तू और हेयर कलर क्यों करा रही है। तो मैंने कहा चुप है, इसको समझ नहीं आता। तेजस को मैंने बोला कि हेयर कलर कराने के लिए ब्लैक करा ले। जो चीज नेचुरली आ रही है उसके पैसे क्यों दूं। बड़ा पागल है। तो अभी हम वही जा रहे हैं और आज दशहरा भी है, तो इसको मैंने कहा था थोड़ा टाइम से चल रहे हैं। तो सुंदर लग रहा है, वाह दिख रहा है पंजाबी बाग, लग्जरी भी रखते हैं वे, लग्जरी लाइफ। हां लाइफ शेयर में रहते साइना सेखरी, आप रिच पीपल, रिच साइना सेखरी, पैसा बहुत है। तो चलो वही दिखाते हैं क्या होता है। सीता मैया है, कहाँ गई? यहाँ से आएंगे अब राम जी, ये देखो हनुमान जी है। हाँ यार, हनुमान जी और अब आएंगे राम जी। ये राम जी बोल साइना, सारे दर्शन यहीं पे हो गए तेरे। ये राम जी फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, इंटरेस्ट कुछ होता है। दशहरा वाले दिन ये सब हो रहा है। रावण था सबसे आगे रावण को भी रखा, मुझे ये समझ नहीं आया। जला रहे उसको इसलिए। This is the last time you seeing me in this color, क्योंकि अब मैं डार्क करवा रही हूँ, बहुत डैमेज हो चुके हैं हेयर कलर एक्सपीरियंस। और ये बिल्कुल करा रही है ग्लोबल करा रही हूँ, थोड़ा सा लाइट इससे जो है ऊपर के दाग है ना इससे लाइट। भैया की गर्लफ्रेंड बार बार कॉल करी जा रही है, इनके चक्कर में मेरा बॉयफ्रेंड मार देगा मेरे को कि इतना लेट कर दिया है। उनको बताऊंगी मैं, उसको बोलूंगी कि इनकी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही थी इसलिए मेरा हेयर कलर लेट हो गया। वो कह रही वीडियो कॉल करके दिखाओ क्या कर रहे हो। मुश्किल दाग ये निकालना इजी है, सर्फ एक्सेल इजी वॉश। इसके 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किल दाग निकालना बन जाए इजी। सर्फ भैया खुश, मेरे को लग रहा है मेरे साथ वाले भैया की बात करी। मैंने पहली बार हेयर कट कराया। हाँ मतलब ऐसा वाला हेयर कट मैंने फर्स्ट टाइम कराया, मैं कराती नहीं हूँ यूजुअली इतना हेयर कट, बट अच्छा लगा मेरे को, सुंदर लगा मेरे पे हेयर कट करा के। फर्स्ट टाइम बैंक्स कराया, कैसा लगा मैम? अच्छा लग रहा है, अभी तो कर्ल्स होंगे तब और अच्छा लगेगा। करो ना कर्ल्स करो ना। कितनी देर बैठना है मुझे अब? अरे भैया कितनी देर बैठना है मुझे? लंच लगाओ तो सही पहले हैं। 10:25 हो गए, कितनी देर तक बैठना मुझे और? बस 10 मिनट हो, तब तक तो खा लेना। वेट करो आप 10 मिनट्स। उनके लिए उनको तो 10 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ेगा। और मैम खा रही हैं, भूख लग रही है। मेरे व्लॉग के होस्ट बन गए आज से। मैम ये कर रही है, मैम वो कर रही है। याद रखना, खेलो कूदो लगातार, क्लिनिक प्लस हर बार। वो एक साल बाद हमने दोबारा साथ कराया था इसके ऑफिस के। एक करके बोलो पहले तो। जुकाम सब ऐसे कराए ये इन्फ्लुएंसर। आई हुई थी बिकॉज़ ऑफ आयुषी। तब भी तू वेट कर रहा था। आज भी तो आयुषी का वेट कर रहा है। इतना वेट करते हो आप, मेरा क्यों करते हो इतना वेट बॉस? बॉस ना फिर सुनते नहीं है। बॉस थोड़े बिगड़े हुए हैं। ये तो वो होगी पिछली होगी भाई। खाना लेके आए हैं सुबह सुबह। हेयर कलर, तब भी हेयर कलर था। आयुषी का ब्लूटूथ कलर करो गाइस। होंडा सिटी लाओ। पहले गाइस बता दो हेयर कलर कैसा लग रहा है हमारा। तुम तो देखा भी नहीं है, बकवास कर रहा है। बारहवीं अंग्रेजन कह रहा है फॉरनर लग रहा है। इसको पता है ना पक्का वाला ब्रेकअप हो गया, इसलिए लाइन मार रहा है। पक्की वाली लाइन मार रहा है। कोई ना गाइस, रैप खा लो। सुबह से भूखे बैठे थे और अब जा रहे हैं घर। तेजस छोड़ने जा रहे हैं। तेज ने पहले 5 घंटे तो कलेश किया। हर जगह तेज कलेश करना जरूरी होता है। टिक्के बैठ जाओ यार, काम वाम धंधा है नहीं। हाँ वेले हम तो तू ही करता है सारा काम। करने निकले हो कलर करवाने वालों में। तूने क्या किया सुबह से बताइयो? तूने सुबह से करा क्या? लड़कों के साथ घूमा, लटकाया तो लड़कों के साथ घूमा फिरा और हमसे बकवास करता है। पर्पल करा ले अपने बाल। बहुत हो गया गाइस, अब मैं रैप खा रही हूँ। सबकी ऐसी रात को आ गए थे, इतनी ज्यादा भूख लग रही थी। मोमोज खाते हैं, चिली पटेट। और ये लड़कों में 1% भी पेशेंस नहीं है कि लड़कियाँ हेयर कलर करा रही है। टाइम लगता है पैम्पर करने में। ये रुक नहीं, वेट कर ले। 11 बजे कौन सा सैलून खुला होता है? किसी का दे दिया है कि वहाँ घर में स्टूडियो में पहुँच गए, वहाँ पे जाके वो 2 बजे भी कर देगी वो। अबे तभी तो मैं कह रही, मेरी फटी हुई थी कि मेरा क्या होने वाले बालों का। नहीं बट टच वुड अच्छा हुआ है, देखो बोला था ये मैं डालूंगी। भाई मैं अंदर घुसरी, मैं इतना डर गई कि आयुषी मेरे को कहाँ ले आई है। साइना कह रही मेरे को कि कहाँ लेके आ गई है। नहीं मैंने कुछ कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं। मेरे अंदर से फटी पड़ी थी कि मेरे को कहाँ ले आई है मेरे बाल। बट मैंने इसको ये बोला कि मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरे को पता। और मैं एक्चुअल में रुचि दीदी वगैरह सबको यहीं पे भेजूंगी क्योंकि अच्छा कलर करते हैं। मेरे को एक बार नहीं, बट फिर भी वो बस ये बता रही है कि मेरी फटी हुई थी और फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ ऑब्वियसली ये देखो आयुषी वो इसमें तो ये तो बन गई। वही तो रेड नहीं है, अलग लग रही है भाई। अबे थोड़ा सा रेड गाइस, आपको रेड हेड का मतलब पता हो तो एक बार सर्च करना। क्या मतलब इसका? कल घर जाके सर्च करियो, ठीक है? एक्स वीडियोस पे रेड हेड सर्च करियो। क्या कह रहा है ये कपिल? हां वही तो बोला इसने। शनिवार में एक पनवाड़ी है, इसके सेम बाल है भाई। उनके नाम जाते हैं बाल, जो बुड्ढे हो जाते हैं लोग उनके बाल ऐसे ही होते हैं। वो बुड्ढे होने के बाद करा के अरे नहीं यार अच्छे लग रहे हैं, चल तूने कराया, तूने इतने पैसे खर्च करे हैं तो अच्छे लग रहे हैं। लड़की के लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो तेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गए, तेरी तारीफ कर देता हूँ। बट लग बहुत घटिया रहे हैं। जी क्या किया कल तूने? कुछ कर देता, क्या हो गया? कल जो भी नंबर ने डांस किया ना उसके अंदर जो वो लड़की थी उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी और उसके आई बॉल्स नहीं दिख रही थी। वो ब्लैक पार्ट नहीं दिख रहा था इसका। हाँ पूरा आयरिस आयरिस का लग रही थी। दोस्त चले गए हैं, मुझे पता है आप गुस्सा हो मेरे से। रोज यही दिखाते रहे कि रोज रोज गुस्सा ही हुआ। बताओ अब आज क्यों गुस्सा हुआ मेरे से? भाई मैं परेशान हो चुका हूँ भाई लड़कियों से। तुम्हारा ये क्या चक्कर है भाई? मैं तेरे से बार बार व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ रहा हूँ भाई एग्जैक्ट टाइम बताइयो, एग्जैक्ट टाइम बताइयो, एग्जैक्ट टाइम बताइयो। मुझे खुद ही एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। जो भी हो मेरे हिसाब से ये चीजें इतनी जरूरी नहीं होती है कि तुम किसी के टाइम की इतना डिवैल्यू करो। एग्जैक्टली ये चीजें आयुषी को बोलो। आयुषी से थोड़ी मैं टाइम की वैल्यू करवाऊंगा अपने। वो कभी भी कराया तो घर पास में, वो कभी भी। अरे वो बात ठीक है, मैंने उसको सुबह से बोला था टाइम से निकल जा, टाइम से निकल जा। वो टाइम से निकली ही नहीं। और उसके बाद जब हर रोज अब एक ये बात आ जाती है कि मैं सॉरी बुलवा रहा हूँ। बट कुछ ऐसा तू भी तो रोज कर ही रही है ना कि जिससे तेरे को सॉरी बोलना पड़ रहा है। चलो तो ऐसा तो है नहीं ना कि मैं तो तू समझ जा फिर कि पागल है तू। ये समझ कि तेरे से यार मैंने जान के नहीं किया, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। मैंने आज सारे काम अपने साइड करके मैंने इसको बोला था 3:30 बजे निकल जा, मेरे घर ही 5:30। एग्जैक्टली भगवान कसम, हम तो रावण देख कर आए थे। मेरे को पता है, मेरा बहुत मन था। हेयर कलर करा रहे हो ये, इतनी बेवकूफ है। इसको मैंने बोला ये वही इंसान है जो पैकिंग में टाइम लगाती है और या फिर तैयार होने में टाइम लगाते हो तुम लोग, और फिर जब जहाँ पहुँचना होता है वहाँ एंजॉय नहीं करते, वहाँ पे जाके। एग्जैक्टली आयुषी तो करती है। याद नहीं मनाली में क्या किया था इसने? रेडियो कराए थे, सारी पार्टी कर रहे हैं पार्टी में भी रेडियो करा रहे हैं। और ये इसका वीडियो व्लॉग में भी है मेरे मनाली वाले, उसके अंदर हम लोग सब पार्टी कर रहे हैं। मेरा भी यही हाल है, तू चुप रहे। तो मैं तुझे कहीं बता रही हूँ, मैंने दिन में ना इसको बोल दिया था 3:30 बजे की निकल जा। ये आई है आराम से रेडी होके 5:30 बजे 6 बजे आई है, और जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो मेरे को समझ आ गया था कि अब बहुत टाइम लगेगा। भाई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं था, काम अच्छा किया है वो सही बात है, बट ठीक है इस वजह से मेरा तेजस नाराज नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कह रही हूँ तेजस इस वजह से आप नाराज मत हो। देखो आपको मैं आपके लिए सुंदर बन के आई हूँ, आपने कहा था नेचुरल करना, मैंने कोई अतरंगी कलर नहीं कराया। मेरे पे ऐसा थोड़ी करा, खुद पे ऐसा क्यों तेरे पैन की है। जब मैं तेरे साथ घूमूंगी तो लोग देखेंगे ना कि किसके साथ घूम रहा है, ऐसी लड़की ऐसी वैसी छपरी लड़की नहीं है, अपने बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े कलर नहीं कराए हुए। टेढ़े मेढ़े तो वो तेरा फायदा है उसके अंदर, आयुष के बाल भाई क्या सोच के कराए। तो तू उसको तारीफ तो कर रहा था भाई, क्या तारीफ करी है मैंने? कब करी है? नहीं इसके बाद तूने बोला अच्छी लग रही है, पर अच्छी लग रही है वो, मेरे को क्यूट लग रही है, उसने हेयरकट अच्छा कराया है अपना। नहीं चुप रहे, अच्छी लग रही है वो, ये लड़कों की आदत है बकवास करने की। अब तू मेरे को तो बता दे मैं ठीक लग रही हूं। तू तो अच्छी लग रही है भाई, तूने ज्यादा नहीं करवाया अच्छा करा। मैं तो कलर हटवा दिया। आई डोंट सपोर्ट दिस हेयर कलरिंग और ये सब। ये तो हेयर कलर पे हेयर कलर है, मुझे समझ नहीं आता है सब। बालों की क्वालिटी खराब कर रहे हो मेरे मतलब, तुम्हारे नेचुरल हेयर हैं। हाँ नेचुरली तो मेरे बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं। लड़कियों पे चल फिर भी कुछ एक चीज एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल तो क्या ही है मतलब, लड़कियों के ऊपर कुछ एक चीज थोड़ी ठीक लग जाती है, कुछ नॉर्मल हेयर कलर वगैरह करवा लिया है वो। लड़के जो करवा लेते हैं वो तो बिल्कुल ही ऑफ लगते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता। लड़के क्यों कराते हैं? लड़कियों में भी कुछ जो बहुत ज्यादा तुम करवा लेते हो ना, ब्लॉन्ड करा लेती है जो बहुत ज्यादा, मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ ऐसा चेंज करना जस्ट टू बी प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। मतलब तुम अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज ला रहे हो जिससे लोगों को लगे कि तुम्हारी पर्सनालिटी उस टाइप की है यार। लेकिन तेजस सॉरी टू से कभी कभी तो जब मैं, मेरा भी मन करता है कि मैं ना अपने बाल कलर करवा लूं, मतलब कलरफुल जैसे पर्पल करा लूं, रेड करा लूं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आई एम ट्राइंग टू बी समवन एल्स, मतलब मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी मोर ऑफ योरसेल्फ। बट करा लो ठीक है, कॉन्फिडेंस है तो करा लो। कॉन्फिडेंस भी ठीक है, हां कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और ये भी कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड इन लाइफ सम टाइम। बाल ऑफ कोर्स जिम जाके तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बट फिजिकली आल्सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट योरसेल्फ आई थिंक इट्स, आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। बाल कलर कराना, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एकदम रैंडम और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको बाल कलर कराने चाहिए, ये आपकी लाइफ। ये मैंने नहीं बोला है, डोंट रीफ्रेम माय वर्ड्स एंड मोल्डेड इनटू समथिंग कि मैंने जो बात ही नहीं करी है। मैंने ये बात करी है कि अगर आप लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाहते हो तो थोड़े बहुत ये सब चीजें करा सकते हो, जैसे नेल्स करा लेती है लड़कियां, हेयर कट करा लेती है, हेयर कलर करा लेती है, इट इज नॉर्मल। वेरी क्यूट एंड हैप्पी। हाँ लेकिन वो जो आप जिम वाली बात कहते हो वो लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई टेंशन नहीं, कुछ चुप बाल, चुप रहो, नाखून, इयररिंग्स, अच्छा आईलैशेस, मेकअप। ठीक हो गया तू? हां क्या हुआ था? नहीं चला जा रहा। ये हमारे यहाँ पे शेरू सबसे पुराना डॉगी जो लगी हुई है थोड़ी सी। हाँ आया, इसमें कुछ खाया है?